तो आज एक कुछ एक थ्योरेटिकल हम कंसेप्ट करेंगे, वही लास्ट टाइम जो मैडम कह रही थी कि स्पाउस कहाँ से मिलेगा। हालांकि टुडेज टाइम ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो रिश्तों का वो तरीका बदल गया है। जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब रिश्ते और तरीके से होते थे, आजकल तौर तरीके बदल चुके हैं। तो उतनी ये चीज़ें सटीक बैठ भी पाती हैं, नहीं बैठ पाती हैं, उसमें थोड़ा डाउट है। क्योंकि आजकल तो मैरिजेस, मोस्ट ऑफ द मैरिजेस थ्रू आपकी जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनके थ्रू ही होती हैं, क्योंकि रिलेटिव्स के नज़र में भी कोई भी बॉय या गर्ल होती है तो बताता नहीं है कोई भी आजकल। मतलब कोई इस उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता कि वो उसका कोई रोल हो बीच में। तो वो सारे तरीके बदल चुके हैं, या तो बच्चे अपना भी देख लेते हैं, और या फिर कोई किसी की नज़र में हो ऐसे, वो भी बहुत कम रिश्ते हो चुके हैं। मैक्सिमम ये होगा कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे हम जाते हैं और उसके थ्रू ही जो भी बातें बनती हैं वो बनती हैं, बाकी सब तरीके खत्म हो चुके हैं। फिर भी ये जो भी ब्रज जातिका के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इन जनरल, कि किसी भी नेटिव की मैरिज के लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा। एक्चुअली दिस द कंसेप्ट। तो नमस्कार सर, जी नमस्कार जी मैम। ये डायरेक्शन का है, ऑलरेडी कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अर्लियर, कि फ्रॉम वेयर नेटिव विल गेट हिज और ऑब्लिक हर पार्टनर, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। तो ये मैं फिर से इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन निकालने का एक ये कॉम्बिनेशन है कि आपको कहाँ से मिलने वाला है, डिस्टेंस ऑफ स्पाउस। तो डिस्टेंस ऑफ स्पाउस देखना है कि वो आपके नज़दीक से होगा, दूर से होगा, कहाँ से होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली आप देखेंगे 7th हाउस के अंदर कौन सा साइन है। यदि 7th हाउस के अंदर मूवेबल साइन हो तो इट मीन्स वो फार ऑफ प्लेस से होगा, आसपास के जगह से नहीं होने वाला है। 7th हाउस के अंदर मूवेबल साइन का मतलब सर एक मिनट, आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं क्या? शेयर नहीं हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी लोग नहीं, नहीं हो रहा जी। नहीं हो रहा सर, नहीं अच्छा दिख रहा एक मिनट सर, जी। नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट सर, किया तो था वो क्यों नहीं प्रणाम सर जी। नमस्ते जी। प्रणाम मैम सर, जी, नमस्कार मैम। हाँ अब हो रहा है। जी ठीक है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन है कि डिस्टेंस ऑफ स्पाउस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए चार्ट। तो किसी भी कुंडली के अंदर आपको 7th हाउस में हम जाकर देखेंगे, और वो लग्न और मून दोनों से हम देख सकते हैं। तो लग्न और मून दोनों से हम देखेंगे, तो उसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो तो मैंने यहाँ पे बताए हैं कि यदि चर लग्न होगा 1, 4, 7, 10, 7th हाउस के अंदर आपको देखनी है कौन सी राशि है। यदि वो मूवेबल साइन है 1, 4, 7, 10, मतलब 7th हाउस में यदि 1 साइन हो, 4 साइन हो, 7 साइन हो या 10 साइन हो, तो वो फार ऑफ प्लेस से होगा, बहुत दूर से होगा। इसी तरीके से यदि 2, 5, 8, 11 साइन है, दैट इज फिक्स्ड साइन। तो फिक्स साइन यदि हुआ तो जो भी स्पाउस है वो नियरर होगा, आसपास के प्लेस से होगा, नज़दीक के प्लेस से होगा। और यदि वहाँ पर कॉमन साइन आ जाता है, जिसे हम द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन बोलते हैं, 3, 6, 9, 12, तो अगेन वो फार ऑफ प्लेस पे होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका दूर से भी हो सकता है और नज़दीक से भी, मतलब ये मिक्स है एक तरीके का कॉम्बिनेशन। और ये हमें दोनों लग्न और मून दोनों से देखना है,
केवल लग्न से नहीं देखना, चंद्रमा से भी देखना है। अब आप इससे ये डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों केसेस में भी सेम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि लग्न से भी वही आ रहा है और मून से भी वही आ रहा है, तो हम श्योर शॉट हो जाएंगे कि वो स्पाउस काफी डिस्टेंस से होने वाला है या नजदीक से होने वाला है। मगर सपोज लग्न से एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है और मून से दूसरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हम उसको एवरेज आउट कर देंगे कि जैसे हम मानते हैं कि एक तो आजकल सेम कॉलोनी से मिल रहा है या सेम विलेज से मिल रहा है, तो वो तो आपका हो गया बिल्कुल नजदीक। एक ये हो गया कि आपका सेम सिटी से भी मिल सकता है, तो उसको भी हम फिक्स्ड साइन में ही कंसीडर करके चल सकते हैं। मगर जैसे मूवेबल साइन 14710 आ रहा है और साथ में आपको फिक्स साइन भी आ गया, तो अब हम ये मानकर चलेंगे कि वो आपका नियर अबाउट किसी प्लेस से होगा मगर आपके सेम सिटी से नहीं होगा, ज्यादा दूर से नहीं होगा। मगर आपको लग्न से भी 14710 आ रहा है, मतलब लग्न से सेवेंथ हाउस के अंदर भी 14710 है, मून से सेवेंथ हाउस के अंदर भी 14710 साइन है, तब आप ये पक्का मान लीजिए कि वो आउट ऑफ कल्चर भी हो सकता है, काफी दूर से भी हो सकता है, इस तरीके का रिश्ता मिल सकता है। और आज के टाइम पर आप इसको 14710 को ये भी मान सकते हो कि वो आपका थ्रू सम सोशल मैट्रिमोनियल साइट आपको मिलेगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट में वो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी फार अवे प्लेस से हो। तो इसमें देखिए हम प्रैक्टिकली एक लगा कर देखते हैं इसको कॉम्बिनेशन को एक कुंडली पर। ये सपोज ये चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, यदि मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि स्पाउस नजदीक से होगा या दूर से होगा, तो हम इसके सेवेंथ हाउस के अंदर राशि को देख लेंगे। लाइक ये सिक्स साइन है, ये डुअल साइन है लग्न से, मैं यदि इसे देखूंगा तो। और यदि मून से मैं सेवेंथ हाउस देखूंगा, यहीं पे मून बैठा हुआ है, मून से सेवन देखूंगा तो ये डुअल साइन ही है, दोनों जगह पे डुअल साइन है। तो ये आप ये मानकर चलोगे इसको पक्का नहीं तो सेम सिटी से होगा ना बहुत ज्यादा दूर से होगा, मिडवे कहीं से होगा इसका स्पाउस, क्योंकि चंद्रमा और लग्न दोनों से वो सेम साइन पर। ये अभी इसी वक्त की कुंडली है, अभी 10-15 मिनट पहले की कुंडली है, तो ये मैंने कोई प्रश्न कुंडली लगाई थी उसी को मैंने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इन दिस वन पर्टिकुलर केस इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। सपोज ये जन्म कुंडली होती नवांश वाली, देखिए नवांश वाली यदि जन्म कुंडली होती तो इस कुंडली के अंदर फोर साइन आ रहा है सेवंथ हाउस के अंदर। बाय द वे मैं इसको जन्म कुंडली मान लेता हूँ, तो फोर साइन आ रहा है सेवंथ हाउस के अंदर। और चंद्रमा से देखता हूं तो यहां पर इनका मून प्लेस्ड है, इसमें चंद्रमा से सेवन साइन में डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, लग्न से सेवन साइन में आपका चर राशि है, तभी भी आप ये मानकर चलोगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी स्पाउस होगा वो फार अवे प्लेस से होगा, डिस्टेंस से होगा। सो इन दिस वे हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन था जिसके लिए कि मैंने ये थोड़ा सा तैयार किया है, वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू कौन बताएगा कि स्पाउस से कौन मिलवाएगा, किस तरीके से स्पाउस मिलेगा हमें, या रिश्ता कौन ढूंढ के लाएगा, या रिश्ता किस तरीके से मिलेगा। और एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो फ्रॉम वेयर नेटिव विल गेट हिज ऑब्लिक हर पार्टनर। इसमें हमें क्या करना है, हम देखना है सेवेंथ लॉर्ड देखना है आपको, एंड वीनस देखना है मेल के लिए, मतलब सेवेंथ लॉर्ड भी देखना है और वीनस भी देखना है, दोनों देखने हैं मेल के लिए। और फीमेल के लिए आपको सेवेंथ लॉर्ड के साथ जुपिटर देखना है, ना कि वीनस, क्योंकि जो पति का कारक है फीमेल नेटिव के लिए वो जुपिटर होता है, तो मेल नेटिव के लिए सेवेंथ लॉर्ड और वीनस दोनों को कलेक्टिवली देखना है, और फीमेल नेटिव के लिए सेवेंथ लॉर्ड और जुपिटर को कलेक्टिवली देखना है, मतलब आपको कुंडली के अंदर इन दोनों को देखेंगे। अब हम देखेंगे उनका कुंडली में प्लेसमेंट कहां पर है, सेवेंथ लॉर्ड का प्लेसमेंट किस भाव के अंदर है और जुपिटर का प्लेसमेंट किस भाव के अंदर है। फीमेल नेटिव के लिए देखेंगे दोनों सेम भाव में हैं तो फिर हम एक चीज के लिए कंफर्म हो सकते हैं, अलग अलग भाव में आ रहे हैं तो उन भावों के रिलेटेड मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट भाव में आ रहे हैं तो आप कहोगे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे उसके स्पाउस को मिलने की। जैसे सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र मेल नेटिव के केस में एक ही भाव में जाकर बैठ गए, तब आपको सीधा सीधा कह दोगे कि उससे रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो वहां पर अब उस तरीके से स्पाउस उसे मिलने वाला है। मगर सेवेंथ लॉर्ड एक पर्टिकुलर भाव में है और शुक्र किसी और भाव में है, तो आप दोनों तरीके से उसको मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, इस तरीके से हम कहेंगे। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट भाव में यदि आ जाता है सेवेंथ लॉर्ड या शुक्र, तो इन दैट केस फ्रॉम नॉन रिलेशंस एंड वन ऑफ चॉइस, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन को या तो ऐसे ऐसा स्पाउस मिलेगा, वो सेल्फ सर्च करेगा ये कह सकते हो, यदि
सेवेंथ लॉर्ड लग्न में जाकर बैठ गया है, तो वो खुद ही सर्च करेगा। कुछ सर्च करेगा का मतलब है कि उसके जानकार लोगों में से होगा, रिश्तेदारों में से होगा, या फिर उसकी अपनी चॉइस का होगा। यदि फर्स्ट भाव के अंदर सेवेंथ लॉर्ड और वीनस दोनों आकर बैठ जाते हैं तो, और फीमेल नेटिव के केस में सेवेंथ लॉर्ड और जुपिटर आकर बैठ जाते हैं तो, अब एक इन दोनों में से सपोज लग्न में आ गया तो इस बात की पॉसिबिलिटी तभी भी बनी रहेगी। साथ में मगर वहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी होगी, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे अभी। अब यही आपका सेकंड भाव के अंदर आ जाते हैं, यदि इनमें से कोई भी एक या दोनों तब सेकंड भाव में आते हैं तो वो अननोन नेटिव होगा या मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिलेगा। आज के टाइम पर, पुराने जमाने में जब सेकंड भाव होता था तो उसमें ये मानकर चलते थे कि सेवंथ लॉर्ड सेकंड भाव में चला गया तो वो अननोन नेटिव होगा और वो सडनली मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता था कि आपको जैसे रिश्ता जो एकदम से तैयार हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, उस तरीके से रिश्ता मिलने वाला है। तो आज के केस में भी मैट्रिमोनियल साइट्स में भी ऐसा ही होता है कि हमें पता नहीं कि कब बात बन जाए। थर्ड में यदि चला जाता है सेवंथ लॉर्ड और शुक्र और जुपिटर में से कोई भी, तो थ्रू पैटर्नल अंकल, चाचा इस तरीके के जो अंकल होते हैं, या रिलेटिव्स के थ्रू मिलेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्पाउस है वो रिलेटिव भी हो सकता है, अपने रिलेटिव्स के थ्रू मिलेगा के साथ साथ ये भी मान सकते हो वो रिलेटिव भी हो सकता है, इवन नेबर भी हो सकता है। ये हम मानकर चल सकते हैं कि यदि आपका सेवेंथ लॉर्ड और इनमें से वीनस और जुपिटर में से कोई भी तीसरे भाव के अंदर आ गया, इसी तरीके से यदि चौथे भाव के अंदर आ गया, तो आप ये मानिए कि मदर का इन्वॉल्वमेंट होगा और फैमिली से लिंक्ड, घर से लिंक्ड, मैटरनल अंकल भी कर सकते हैं। मैटरनल अंकल का ये हो गया, मदर साइड से कोई भी पर्सन आपको वो रिश्ता बताएगा या रिश्ता लेके आएगा या रिश्ता करवाने में हेल्प कर सकता है। यदि आपका सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र या सेवेंथ लॉर्ड और जुपिटर दोनों ही फोर्थ हाउस के अंदर चले जाते हैं, इसी तरीके से सेवेंथ लॉर्ड यदि पांचवें भाव में चला गया और शुक्र भी पांचवें भाव में चला गया, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज। अब लव मैरिज को आप दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हो कि ये हो सकता है लव तो होगा ही, रोमांस वहां पे होगा, मैरिज में कन्वर्ट होने में और भी कॉम्बिनेशन है, मगर इसको ओन चॉइस मैरिज आप डेफिनेटली कह सकते हो। अब ओन चॉइस मैरिज में कई बार ये होता है कि वो लव मैरिज भी नहीं होती, तभी भी ओन चॉइस मैरिज हो सकती है कि हम किसी को जानते हैं, काफी समय से जानते हैं, दोनों के बीच में कोई किसी तरीके का अफेयर नहीं है, मगर दोनों मैरिज करना चाहते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हम खुद क्यों नहीं मैरिज कर लेते। तो दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन वेन सेवेंथ लॉर्ड एंड शुक्र दोनों यदि आपके पांचवें भाव के अंदर चले जाए। सिक्स वन कॉम्बिनेशन है आपका, यदि सेवेंथ लॉर्ड गोज टू द सिक्स हाउस, और या वीनस और सेवेंथ लॉर्ड दोनों छठे भाव में हैं। छठा भाव एक्चुअली मामा का भाव होता है, तो उसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि रिश्तों में मैटरनल अंकल मामा वो रिश्ता बताएगा। अब आज के टाइम पे मामा बताते नहीं है, पर अब ये पुराने टाइम का यही कॉम्बिनेशन है कि यदि आपका सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ भाव के अंदर चला गया तो मैटरनल अंकल वो रिश्ता लेकर आएगा या रिश्ता आपको बताएगा या रिश्ता करवाएगा। अब आपका सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र सातवें ही भाव में चला गया तो उसकी बुआ और रिलेटिव्स या क्या होगा, सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है तो जो इन लॉज होंगे उसके होने वाले वो रिश्ता लेकर आएंगे आपके पास। लड़की की तरफ से हैं तो वो एकदम से आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे और वो आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, या लड़के वाले लड़की की पास लेकर रिश्ता आएंगे, या लड़की वाले लड़के के पास खुद किसी से पता करके रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे और उससे वो रिश्ता फिक्स हो जाएगा। उसमें बुआ का रोल हो सकता है या किसी क्लोज रिलेटिव का रोल हो सकता है कि कोई क्लोज रिलेटिव आपको बताए, किसी को बताए कि भाई ये एक रिश्ता है, ये लड़का है, ये लड़की है, तो वो आपको लेकर आए। पर इसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो लड़की वाले है तो लड़के वाले के घर जाएंगे, लड़के वाले लड़की वाले के घर जाएंगे और वो भी नॉन नहीं होंगे पहले से, इस तरीके का रिश्ता होता है। इफ सेवेंथ लॉर्ड या शुक्र इज गोज टू एट्थ हाउस तो वो नेटिव जो भी होगा स्पाउस अननोन हो सकता है, लव मैरिज हो सकती है, सडन ऑफर हो सकता है, एकदम से जैसे कोई बिल्कुल माइंड बनाकर नहीं बैठा हुआ है और वो उसमें सडननेस हो सकती है कि वो बिल्कुल ही कोई एकदम से बात हो कि भाई मैरिज कर लेते हैं, या कोई आपके पास एकदम से रिश्ता आ गया, कहीं किसी मैरिज में गए, किसी फंक्शन में गए, कहीं ट्रेन में मिल गए, आजकल तो कर चलते कम है, या फिर कहीं और किसी मीटिंग के अंदर मिल गए और बात हो गई आपके अंदर और सडनली आपकी बात बन गई, इस तरीके से रिश्ता होगा जब भी सेवेंथ लॉर्ड और आपका शुक्र आठवें भाव में आ जाए या जुपिटर। इसी तरीके से सेवेंथ लॉर्ड या शुक्र और ऑब्लिक जुपिटर जो भी एप्लीकेबल है वो नवे भाव में आ जाए तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, जहां पे भी अननोन है वहां लव मैरिज को हम कंसिडर करके चलेंगे आज के टाइम पर।
अननोन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो रिश्ता लेके आएगा वो कोई और लेकर नहीं आएगा आपके पास, तो वो रिश्ता है तो वो आपके बच्चे खुद ढूंढ लेंगे, तो इसलिए इसको लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जहां पे भी अननोन लिखा हुआ है। पहले के टाइम में इसको अननोन बोलते थे कि कोई भी ऐसे ढूंढता हुआ आ गया, किसी से पूछ लिया, इस तरीके से भी रिश्ते होते थे पहले कि गांव में कोई लड़का कुंवारा है क्या यहाँ पे, तो है जो है उसी से मैरिज कर जाया करते थे, तो वो अननोन होता था। अब आज के टाइम में 9th हाउस को भी हम एक तरीके से अल्टरनेटिव ऑफ 5th हाउस कंसिडर करके चलते हैं, इसलिए 9th हाउस के अंदर भी ये जा रहा है तो वो या तो अननोन नेटिव होगा या लव मैरिज होगी। इसी तरीके से यदि फिर आपका 7th लॉर्ड और वीनस यदि 10th हाउस के अंदर हो तो फादर फ्रेंड होगा और रिलेटिव्स होगा, इस तरीके से आप मान सकते हो कि 10th हाउस को साउथ इंडिया के अंदर हम फादर का भी हाउस मानकर चलते हैं, तो वो फादर्स फ्रेंड या रिलेटिव आपको रिश्ता बताएंगे। इसी तरीके से यदि 7th लॉर्ड और शुक्र 11वें भाव में चला जाए तो वो थ्रू सोशल सर्किल होगा। 11th हाउस इज ऑफ द फ्रेंड्स एंड सोशल सर्किल, जो भी आपको रिश्ता दिलवाएंगे वो आपके मिलने जुलने वाले, किटी पार्टी वाले या इस तरीके के लोग जो आप सुबह पार्क में जिनके साथ घूमते हैं वो आपको रिश्ता करवाएंगे, इस तरीके के लोग या गर्ल या बॉय का फ्रेंड सर्कल जो है वो भी रिश्ते बता सकता है इस तरीके से, जैसे किसी के थ्रू वाया मीडिया जब मीटिंग होती है बच्चों की तो उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो कि किसी के घर पे कोई फंक्शन है आप वहां पर गए और वहां पे आपको आपका स्पाउस मिल सकता है। इसी तरीके से यदि आपका 7th लॉर्ड या शुक्र 12th हाउस के अंदर चला जाता है तो वो फार ऑफ प्लेस से होगा पर्सन, डिस्टेंट रिलेटिव भी हो सकता है काफी दूर का, इस तरीके से हम इन कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब इनमें इंडिविजुअली एक कॉम्बिनेशन तो मिलने वाला नहीं है कि दोनों एक ही भाव में बैठे हों। अब सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि 7th लॉर्ड तो आपका सेकंड भाव के अंदर बैठा हुआ है और वीनस सपोज 7th भाव में बैठा हुआ है, तो अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, या ये इन दोनों में से कोई काम हो जाएगा। कि सपोज 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया तो आप समझिएगा कि मैट्रिमोनियल के थ्रू भी हो सकता है और कोई वो अपने आप रिश्ता लेकर भी आ सकते हैं, इस तरीके से हम एज्यूम करके चलेंगे। या लाइक हम कह देते हैं कि 7th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस और आपका शुक्र जाकर बैठ गया 5th हाउस में, 7th लॉर्ड 3rd हाउस में, शुक्र 5th हाउस में, तो 3rd हाउस आपके रिलेटिव्स नेबरहुड इस तरीके से बताता है और 5th हाउस आपका लव मैरिज को बताता है, तो आप इस तरीके से कंक्लूड करोगे कि इसको रिलेटिव्स में किसी से ऑन बाई चॉइस मैरिज करेंगे, जो भी बॉय या गर्ल होगा वो रिलेशंस में होंगे और इन दोनों के बीच में रिलेटिव्स में होंगे, इन दोनों के बीच में लव मैरिज होगी। इस तरीके से हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, दोनों चीजों को लेकर मिलाकर मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरामीटर हार्डली किसी कुंडली में एक जगह पर मिलेंगे, तो इस तरीके से हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से स्पाउस मिलेगा। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रज जातक का जो भी कॉम्बिनेशन है उसका जो मॉडिफाइड इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पर दिया है। अब ये आज की डेट में मैं पहले से ही हर बार डिस्क्लोज करता हूँ कि ऐसी ज्यादातर चीजें अब आजकल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड पूरी तरीके से बदल चुका है। हम मैरिज की भी बात करते हैं, हम टाइम भी निकालते हैं, पता लगा कि आजकल इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चे मैरिज करने में। अब आप उसका कितना ही टाइम निकालो, इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या करेंगे, एज तो कई बार आती रहती है। अब एज उसकी आएगी, आपने टाइम निकाला, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब उनके बच्चों के नखरे भी इतने हो चुके हैं, तो आजकल क्या होगा कि एस्ट्रोलॉजी को हमें बिल्कुल उस तरीके से सोच के चलना है कि जिसकी बहुत ज्यादा आपकी अर्ज है उसी को हम ये चीजें बताएंगे, तभी वो कॉम्बिनेशंस लगने वाले हैं। मगर ऐसे ही हम बता रहे हैं या केवल पेरेंट्स अपनी तरफ से लेकर आ जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे मैरिज नहीं हो रही है, कब होगी, पता लग रहा है बच्चे करना ही नहीं चाहते, वो जो भी उसको मिलेगा पार्टनर वो उसके अंदर इतनी कमियां निकाल देंगे, नेगोशिएट करने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं होते अपनी स्थिति से, उनको अपने से हायर पैकेज चाहिए होता है, देखने में लड़की हीरोइन होनी चाहिए, लड़का हीरो होना चाहिए, सबको कोठी वाला चाहिए, सबको बड़ी कार वाला चाहिए। अब वो सारी कंडीशंस, प्री कंडीशंस फुलफिल होती नहीं है, इसलिए रिश्तों में डिले होता है और वो रिश्ते प्रॉपरली हो नहीं पाते, क्योंकि हम प्री कंडीशंस लेकर चलते हैं बेसिकली, क्योंकि मैरिजेस जो होती है इंसानों की जगह आजकल सामान सुख सुविधाओं के बीच में होने लगी है, तो वो आपकी उतनी आपकी एस्ट्रोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन आ चुका है कि जो हमारे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो थोड़ा कई बार फेल होते हैं। फेल होने की वजह ये नहीं है कि हम उन्हें गलत तरीके से लगा रहे हैं, फेल होने की वजह ये है कि जो आपके पास सामने वाला देश काल पात्र के हिसाब से पात्र बदल चुका है, पात्र वो है नहीं जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई गई थी पूरी तरीके से। आजकल पात्र एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी फ्री विल सुप्रीम हो रही है ओवर द कुंडली,
तो वो फ्री विल का इतना ज्यादा यूज कर रहा है, पहले फ्री विल का यूज नहीं करता था इन चीजों में, कि रिश्ता एक आ जाता था उसको मना नहीं करता था। वो लोग कहते थे कि ये तो भगवान ने जो दे दिया वो है, एक रिश्ता आ गया, कोई भी डिनाई नहीं करता था। तब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठते थे कि विवाह से एम्पर जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया, अब ये रिश्ता पक्का होना ही होना है। आज के टाइम पर वो पहले तो माइंड ही नहीं बनाते 2 3 4 साल तक, फिर माँ बाप पूरी तरीके से पीछे लग जाते हैं, तब वो माइंड बनाएंगे। इसके बाद फिर उनकी इतनी कंडीशन होती है माँ बाप की भी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे भी केस आते रहे, माँ बाप की इतनी कंडीशन होती है कि वो लड़की का यदि पैकेज सपोज एक्स है तो लड़के का एक्स माइनस वन नहीं होना चाहिए, एक्स प्लस फाइव ही होना चाहिए। अब एक्स प्लस फाइव के चक्कर में वो उसको 30 साल के बच्चे को 35 साल का कर देते हैं, और अब बाद में वो एक्स माइनस 20 पर ही उनको नेगोशिएट करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली अब आप जब पैकेजेस चेक करके मैरिज करने लगेंगे, पैकेज देखिए मगर ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि इसका तो हायर ही होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, तो वो एक जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं उस तरीके का आजकल एनवायरमेंट बना बना पड़ा है पूरी तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी भी सफर करेगी पक्का, इसलिए हमें, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हमें जो बताना है आप बताइए, वो उसकी कितनी एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी नहीं है, वो आज का टाइम बदल चुका है तो लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी बदलेगा, क्योंकि आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन एज इट इज किसी भी चीज पर नहीं लग सकते कोई भी एस्ट्रोलॉजर, इसलिए प्रेडिक्शन ऐसे कभी नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये तो हो गई, क्योंकि मैं एक ही चीज को मैं कई तरीके से लगा के देख लेता हूँ, 20 तरीके से भी लगाऊंगा, तभी भी उसके अंदर प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत आपकी रीजन ये है कि जो पर्सन की फ्री विल है, जो पात्र है, वो पात्र है ही नहीं कि उसके ऊपर आप एस्ट्रोलॉजी को लगाएं। अब आप कहेंगे फिर ये तो प्रारब्ध है, सब कुछ डिसाइड होकर आया है, सब कुछ डिसाइड होकर आया है, मगर जो आजकल जो 15-20% जो फ्री विल एक पर्सन के पास होती है वो डोमिनेंट हो रही है 40-50% पर अपनी जिंदगी के जो डिसीजन है, लाइक मैरिज और चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का भी बहुत इश्यू है, जिसकी 27 में मैरिज में एज हो जाएगी तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ 1 या 2 साल में होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी तो इसी हिसाब से बनी थी। आजकल तो 3 4 साल तो माइंड मेकअप कर रहे होते हैं दोनों, बॉय और गर्ल चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार ही नहीं होते, तब आपके एस्ट्रोलॉजी कैसे लग सकती है? तब आपको क्या होगा, आप जो एक टाइम दोगे वो फेल होगा, दूसरा टाइम दोगे वो फेल होगा, तो कोई तीसरा चौथा टाइम जाकर लगेगा। इसलिए कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमारे पास कोई आता है, हमारी एक डेट गलत भी हो जाती है, तो आप उससे कहिए हम आपको नेक्स्ट डेट देंगे, क्योंकि हमारा काम है अर्लीस्ट डेट देना। अब उसमें हमारा केवल उतना रोल नहीं है जितना कि नेटिव का रोल है। तो देश काल पात्र को समझकर हमें बहुत इंटेलिजेंटली काम लेना है, और इंटेलिजेंटली काम लेने का मतलब यह है कि हम किसी भी पर्सन को ये ऑलरेडी मानकर चलेंगे, उसको समझाएंगे भी कि भाई आज के वक्त में बच्चे ही जब तैयार नहीं होंगे, आप कितनी भी डेट निकाल के ले जाओ, हम कितनी भी डेट निकाल के देते हैं, वो एक पैसिबिलिटी है कि आदमी की जिंदगी के अंदर मैरिज की 20 बार डेट्स आती हैं, चाइल्ड बर्थ की कितनी बार डेट्स आती हैं, प्रोफेशन की कितनी बार डेट्स आती हैं, तो वो डेट्स पर तभी तो काम होगा जब वो पर्सन एग्री होगा, तैयार होगा, माइंड मेकअप करेगा। अब आज के टाइम पर वो माइंड ही मेकअप नहीं करते, इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी पर भी सवाल उठता है। अब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट बताता हूँ, ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया, एक और मैं यहाँ पर एक कुंडली लगाऊंगा आज, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं।